बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव हाल ही में वैष्णो देवी माता के दर्शन करने गए थे। एल्विश के साथ उनके दोस्त राघव शर्मा भी मौजूद थे। कटरा से दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें एल्विश भीड़ से घिरे हुए दिखे गए। यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक फैन से पिटते पिटते बचे। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि कटरा में एक शख्स एल्विश यादव और राघव शर्मा के साथ फोटो लेना चाहता था, लेकिन उनके मना करने पर वह भड़क गया और देखते ही देखते उनके बीच झड़प हो गई। शख्स ने राघव का कॉलर पकड़ लिया था और उनके बीच तू-तू मैं-मैं तक हो गई। यह सब देख एल्विश तुरंत वहाँ से निकल गए थे। बाद में राघव भी भीड़ से निकलकर वहाँ से चले गए। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हुई, लोग हैरान रह गए। अब एल्विश ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। एल्विश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इन खबरों पर रिएक्ट किया है। एक मीडिया रिपोर्टर का लिंक शेयर करते हुए कहा कि ये सिर्फ फेक नैरेटिव है। एल्विश ने लिखा, जब तक ऐसे न्यूज वाले जिंदा हैं, ऐसे फेक नैरेटिव चलते रहेंगे। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी क्लिप को वायरल किया जा रहा है और ये क्लिप उसी पत्रकार की है जिसका नाम है प्रदीप। वो कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे मुसलमान और पत्थरबाज समझा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वह सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इससे सिर्फ एल्विश यादव का नाम खराब किया जा रहा है और मेरा नाम खराब किया जा रहा है। एल्विश यादव ने पत्रकार शख्स का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सच जानने के लिए वीडियो देखें और फेक खबरों पर यकीन ना करें। सच बताने के लिए शुक्रिया प्रदीप भाई।